दिल्ली पुलिस को खुफिया विभाग से एक सीरियस अलर्ट मिला है। इस अलर्ट में बताया गया है दिल्ली के अंदर 5 आतंकी घुसे हुए हैं जो 15 अगस्त और उसके आसपास कभी भी बड़ा हमला कर सकते हैं। इसको देखकर दिल्ली हाई अलर्ट पर है। दिल्ली पुलिस ने इस अलर्ट को काफ़ी गंभीरता से लिया। उसके बाद आप देख पा रहे हैं, अगर ये इस वक्त मैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक एक गाड़ी को बकायदा रोक रोक कर उसकी तलाशी ली जा रही है। अलर्ट में साफ साफ कहा गया है कि जो आतंकी हैं वो अहम ठिकानों पर दिल्ली में, खासकर भीड़ भरे जो बाजार है, सरकारी भवन है, उसके अलावा मंदिर, मस्जिद या फिर चर्च, इन तमाम जगहों को अपना निशाना बना सकते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं इस वक्त मैं कनॉट प्लेस में मौजूद हूं और यहां पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। दूसरी तरफ अगर देखें आप तो दिल्ली की सड़कों पर अब कुछ ऐसा नज़ारा है। दिल्ली चूंकि हाई अलर्ट पर है, आप देख पा रहे हैं दिल्ली पुलिस के जो ये स्पेशल कमांडोज हैं, अत्याधुनिक हथियारों से लैस जो ये स्पेशल कमांडोज हैं, ये मोटरसाइकिल पर पूरी तरह से तैयार है। और जो भी इलाका है, खासकर कनॉट प्लेस का, क्योंकि दिल्ली का दिल कहा जाता है कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस के इलाके में दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमांडो कुछ इस तरीके से बुलेट पर गश्त कर रहे हैं और किसी भी संदिग्ध जो शख्स है उसको देखते ही तुरंत आइडेंटिफाई करने का निर्देश दिया गया है। कनॉट प्लेस पर बाकायदा एक मचान भी बनाया गया है। ये विजय चौक और सेंट्रल पार्क के आसपास का इलाका है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरी इस अलर्ट को दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरों ने पूरी गंभीरता से लिया है। जिस तरीके से बताया गया है कि 5 आतंकी दिल्ली के अंदर घुसे हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर जो पुलिस है वो तमाम वाहनों की चेकिंग कर रही है। दिल्ली में लाल किला और साउथ दिल्ली का जो भी मार्केट है वहाँ पर सुरक्षा बेहद चौकस कर दी गई है और खासकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमांडो जो है वो अब दिल्ली की सड़कों पर है।